आगे बढ़ गया। गाली नहीं दे रहा हूँ तेरे को, मैं ये बोल रहा हूँ अगर तू गाली दे, पता चल रहा है कि कौन गाली दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। काफी मजा आया ऋषिकेश में भाई, वाइब भी अलग है। देखो ना, जैसे आया यहाँ पे गणपति बाबा का विसर्जन हो रहा था, एग्जॉस्ट होता है ना मेरे पास भाई, सुपर राइड वाला ऐसा करते जो रिएक्शन मिलता है। भाई गणपति बाबा तो चले गए, दिल में हमेशा रहेंगे भाई गणपति बाबा। भाई यहाँ से हमारा डन हो चुका है और अब जा रहे हम अर्पित के मामा के यहाँ, वहाँ थोड़ा बैठेंगे। अर्पित की मम्मी का काम है 2-3 घंटे का, तो वो काम निपटा के फटाफट फिर हम ऋषिकेश को निकल जाएंगे। ये रुका क्यों हो गया छाँ छाँ में रुकनी पड़ती, थोड़ा सा इतने पे धूप का आ रहे ना कसम से, जल रही है पूरा बदन जल रहा है। चल बैठ जा, चलो भाई चलो धूप के मजे लिया जाए थोड़ा। ओके भाई, अभी आ रहे थे हम अर्पित की नानी के यहाँ और अभी पी रहे हम नींबू पानी। हरी भाई, इसके बाद क्या प्लान है? उसके बाद मेरा एक छोटा सा काम है, फिर उसे निपटा के फिर चलते हैं कहीं। नहीं किसी केस? हाँ हाँ, मतलब मम्मी कितनी देर? नहीं हाँ मम्मी कितनी देर का? इतना छोटा सा काम 2 घंटे का एक घंटे का लगभग। ये छोटा सा काम है 2 घंटे का। फिलहाल नींबू पानी पीते हैं और उसके बाद देखते भाई कहाँ का प्लान बनता है। अभी हमें सजवान के बारे में एक बात पता चली आज, ये ना किसी के यहाँ का चावल नहीं खाता भाई, पंडितों के आके भी नहीं खा रहा है, जो बद्रीनाथ के पंडित है भाई, तो किसके यहाँ खाएगा पता नहीं मुझे। ये बात मुझे नहीं पता थी, ये बात मुझे आज ही पता चल रही है। ये भाई अपने दोस्त ऐसे ऐसे भी हैं, लड़का हो गया यार तू ऐसा कर रहा है यार। चल मैं खा लूँ ना, पर उसके लिए रोटी होती है आज। रोहित भी गौरव जोशी के जैसे बोलेगा, मैं दाल भात खा रहा हूँ। सौरभ 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 निकल रहे, एक छोटा सा काम था वो निपट चुका है और अब जा रहे हम सीधा ऋषिकेश को। चलो टाइम पे घर, ठीक है? अर्पित को अर्पित की मम्मी बोल रही कि टाइम पे घर चले जाना, नहीं तो हड्डी तोड़ दी जाएगी। कितना दूर पड़ेगा यहाँ से ऋषिकेश हमें? अब थोड़ा सा ऋषिकेश में ही तो है। अरे ऋषिकेश में ही हम? चलो फिर गुरु भाई, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? खदरी खड़क। ऋषिकेश कहाँ से जाते हैं? यहाँ से अंदर ना जाके उधर लकड़ घाट पड़ेगा, लकड़ घाट से आगे ना एम्स का वो रास्ता। ठीक है, ओके थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे छोटे बच्चे मिले थे, इन सब ने ऋषिकेश का रास्ता पूछा क्योंकि अभी हम ना गली से आ रखे थे मैं ना, फिर उत्पटांग चार मोड़ होती रास्ता मुझे ढंग से पता ही नहीं है। तभी तो पूछा मैंने उस लड़के को कि यहीं से आता है। हाँ कि यहीं से आते ऋषिकेश, यहीं से आते हैं लोग भी नहीं रहा, उनसे पूछता हूँ। रुक जा, आगे से मुझे पता है थी। भाई पता है। क्या फायदा तेरा यहाँ रहेगा जब तुझे ऋषिकेश का रास्ता नहीं पता मेरे भाई? चलो फिर देखते अब आगे वहाँ से जाना है। अब दबा दो, तू बोलते बोलते दब जाता हूँ। अब दबा दो, तू बोलते बोलते दब जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे इंडिकेटर दे रखा था अंदर। चलो कोई नहीं, आ चलो। ये तो देख लो इंडिकेटर, दूसरे कंडे का कुछ फायदा नहीं है। फायदा है तो कुछ ना कुछ है, तभी तो कह रहे हैं एकदम मोड़ दिया गाड़ी। चलो अंकल हो गया हो गया, चलो कोई नहीं। आप बोल रहे सीधा आ रहे, सीधा गाड़ी मोड़ दे रहा है सीधा। क्या इंडिकेटर को बता दिया? अरे भाई तू कम से कम ये तो देख ले कि भाई स्पीड पे गाड़ी आ रही है, तो मैं जो वो तो मैंने जो ब्रेक लगा ली तो अब जाके बच गया। तेरे गाड़ी पे बच जाता बीच में तो गाड़ी नहीं दे रहा मैं। गाड़ी नहीं दे रहा मैं, गाड़ी नहीं दे रहा मैं।
पता चल रहा है कि कौन गाड़ी दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। ये बोल रहा हूँ जो गाड़ी पे बच जाता तो तब तो नाश हो जाता है, ऐसे तैसे हो जाती सारी। आप बोल रहे इंडिकेटर की बात, इंडिकेटर तो दिया था, गाड़ी तो नहीं थी मैंने, गाड़ी तो नहीं माना यार तुम्हारे लिए। बाकी आप देख लेना भाई, यहाँ एक छोटा सा सीन हो गया था, उसके बाद मैं आराम करके बात कर रहा हूँ, वो गाली दे रहा, ये थोड़ी ना भाई। अब देखो यार सामने वाला बंदा तमीज से बात कर रहा, तुम गाली दोगे ना कैसे कैसे चलेगा यार। सामने वाला बंदा हाइपर हो गया, अगर एक दो रख दी इसमें तो फिर तुम बोलोगे कि भाई उम्र का तुम लिहाज नहीं कर रहे। और हार्ट के साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक में मिल चुका हमें, और हम निकालेंगे यहाँ से बीच से। नहीं है भाई जगह, बस वाले भैया मार रहा मैं तुम्हें। थैंक यू सो मच भाई। गाइस हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश की सड़कों में, और भाई ऋषिकेश की सड़कों में भाई रोहित भाई का धमाल है, अलग भाई है। सबको पता चल गया है कि हेलो, देखो रिस्पांस क्या ही खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है। सबको पता चल गया अब रोहित रावत ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं, और यहां से लेना मैं लेफ्ट क्योंकि हम जा रहे अभी त्रिवेणी घाट। चलो चलो सर। ये है त्रिवेणी घाट का मार्केट, जो कि काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर काफ़ी लोग भी आते हैं। तो मेरी गदी की शादी की शॉपिंग हुई थी ना इधर ही साइड से हुई थी, मेरे मामा है कन्याला के, तो उनके जानने में ये एक शॉप जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये शॉप थी वही वाली, यहाँ से मेरी गदी की शादी की शॉपिंग करी थी। हाँ पूरा सामान यहीं से गया था, एग्जॉस्ट होता है ना मेरे पास भाई सुपर राई कला, ऐसा करते भाई जो रिएक्शन मिलता है, बट हमारी फेस वैल्यू यार ना क्या बोलते हो, फेस वैल्यू कमाई हमने फेस वैल्यू। जिस दिन बाइक ला दी यार उस दिन तो अलग ही चीज़ हो जाएगी भयंकर, फिर तो डबल धमाका होगा। ओह यहाँ तो गड्ढा है फिलहाल, यहाँ देखो भयंकर कितने लोग घूमते यार, कितने लोग। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है ना जहाँ पूरे उत्तराखंड से लोग आते हैं, उत्तराखंड ही छोड़ो तुम पूरे इंडिया से इतने लोग आते हैं, इंडिया भी छोड़ दो भाई पूरे भारत देश आउट ऑफ कंट्री हर जगह से लोग आते हैं भाई ऋषिकेश में। ये देखो सामने देवो की नगरी, जय भोले बाबा जी। यहाँ पे लगा सकते हैं पार्किंग, लगा सकते हैं, पेड़ है क्या वहाँ पे, पेड़ है भाई सामने, यहीं पे लगा दे यार। क्या हुआ पिछली बार हमने यहीं पे लगा रखी थी, हाँ ई बेटा लिखा था उस पर 500 जुर्माना। यहाँ पे जुर्माना लगता है क्या अंकल, उधर लगा दूँ क्या पुलिस वाले। हाँ यार सामने जुर्माना है देख ले, पुलिस वाले भी देख रहे हो कि कब कटेगा इनमें जुर्माना। हाँ जा रहे हैं अब, उधर तो मंदिर है, चल यार 10 रुपये दे देंगे वहीं, चल अंदर ही चल कोई बात नहीं। पीछे पीछे देख पीछे भाई, 10 रुपये से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बोलते हैं ना जब तक गेम में जानी नहीं तब तक लड़की तुम्हारे प्यार में आनी नहीं, तो कुछ ऐसा ही सीन समझ लो। अभी फ़िलहाल हमारे जेब में पैसे नहीं है ना, तो उस वजह से ऐसा हो रहा है। अंदर नहीं आता ही काट रहे उसको, सिक्योरिटी लोगे आ जाएगा। तो वही यहाँ पे काटते हैं पर्ची 20-20 रुपये की, कितने की लगेंगे, कितने लगेंगे भैया 40। एक मिनट दो गाड़ी होगी, रुको रुको है मेरे पे एक मिनट है, देखो कितने 20 हैं, डिस्काउंट ही लगा दो 30 ही लगा दो यार, वीडियो में आ जाओगे तुम। अरे यार कुछ तो रैम करो भैया हम पे। गाड़ी तो लगा दे इधर। ओके बॉयज फाइनली हमने एंटर कर लिया ऋषिकेश में, और आवाज़ सुन सकते हो यहाँ पे सामने भी गणपति विसर्जन हो रहा है, इस टाइम ही देख रहा होगा तू भी। यस भाई बहुत खुशी लग रही है हम आज, मतलब ऋषिकेश आए और यहाँ गणपति विसर्जन हो रहा है, सोचो ना इतनी खुशी की न्यूज़ हमारे पास। आप बाकी चेक करते रहना यार, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। गणपति बाप्पा मोरिया। ओके भाई आपने देखा होगा कि यहाँ पे गणपति बाबा का विसर्जन हो रहा था, अब जा रहे हैं हम दूसरा ब्लॉग बनाने क्योंकि ये वाला ब्लॉग काफी लंबा चले गया होगा, और नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देख रहे हैं कि हम ऋषिकेश में कौन कौन सी जगह घूमने आ रखे हैं, बट
काफ़ी मज़ा आया ऋषिकेश में भाई, वाइब भी अलग है। देखो ना, हम जैसे ही आए यहाँ पे गणपति बाबा का विसर्जन हो रहा था। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।